तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। आज मेरे द्वारा यहाँ से आप सभी को पूरा का पूरा राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान के किसी भी जिले से चाहे इस वीडियो को देख रहे हो, आपके जिले में प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा यही वाला पेपर छपने वाला है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हमारे जिले में ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सभी जिलों में एक ही जैसा पूरा का पूरा पेपर आया है, इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको पूरा देखकर जरूर जाएं। देखिएगा, अगर आपने कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा के लिए इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसमें से सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में फंस जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली मैं यहां से आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, ए टू जेड प्रश्न इसी प्रकार के परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहां से मैं आपको बता देता हूं, पास से कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि ये लिखा है न्यूटन का गति संबंधित नियम देखिए, उसके अलावा देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऊतक किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, फ्लोएम और जाइलम में अंतर लिखिए, रक्त के दो कार्य लिखिए, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को लिखिए। तो देखिएगा टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मुक्त पतन से क्या आशय है, वस्तु के द्रव्यमान भार में अंतर लिखिए, इसी प्रकार के टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जरूर जाएं, जैसे कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिएगा चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार का होगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 का विज्ञान विषय का। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा ठोस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अवोगाड्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या? तो देखिएगा इसका उत्तर भी आ जाएगा। चौथा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा जे जे थॉम्सन ने। उसके बाद में, किस वस्तु के वेग से में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो देखिएगा इसको त्वरण कहते हैं। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूट कर गिर जाते हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, स्थितिक जड़त्व के कारण ये ऐसा होता है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 72 किलोग्राम। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 1/2 mv². तो इस प्रकार से आप लोग यहां से इन प्रश्नों को देख ले और पूरा का पूरा नोट कर ले इनको, और देखिएगा इसके बाद में यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहां तक के इन प्रश्नों को देख ले और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो आप लोग यहां से रिक्त स्थानों को देख लेंगे, रिक्त स्थान किस प्रकार से आपको भर लेने हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस CO2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? AlCl3। उसके बाद में कोशिका का मस्तिष्क क्या का केंद्रक कहा जाता है? हमारे शरीर में गति के लिए क्या है? पेशी ऊतक उत्तरदायी है। और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या होगा? वेग होगा। और किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहां से इसको देख लें और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि जोड़ी आपसे पूछी गई है। तो जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा, आप लोग यहां से देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक संपीड़, तो देखिएगा ये गैस हो जाएगी। ब्रोमीन की जोड़ी का मिलान धातु से कर लेना है। कैल्शियम और आर्गन, इसकी जोड़ी का मिलान संबारिक से कर लेना है। लाइसोसोम का जोड़ी का मिलान आत्मघाती थैली से कर लेना है। फ्लोएम की जोड़ी का मिलान भोज्य पदार्थों का संवेदन से कर लेना है। स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी का मिलान शून्य से हो जाएगा। गिरती वस्तु का प्रारंभिक वेग mgh होगा। और माइक्रोफोन की जोड़ी का मिलान श्रवण सहायक युक्ति से कर लेना आपको।
आपको। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का जोड़ के मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। प्रश्न नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा आप आगे बढ़ते, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। ये प्रश्न नंबर 4 लिखा है जिसमें कि आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का मात्रक क्या है? तो देखिएगा ये इसका मात्रक है पास्कल। उसके बाद में स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? देखिएगा जोसेफ प्रॉस्ट ने इसको प्रस्तुत किया था। उसके बाद में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा ये होता है Ne3S1। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, DNA का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा इनको कहते हैं पादप ऊतक। उसके बाद में किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे, तो Ke=1/2mv² इसका ऊर्जा का व्यंजक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मसाले वाली दो फसलों के नाम, तो देखिएगा ये होगी धनिया और मिर्ची। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लेना। टोटल इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। आगे देख लें यहाँ से, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? आसवान विधि क्या है? क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग लिखिए, प्रोटोन के गुण लिखिए। और उसके बाद में आगे बढ़ते तो यहाँ से देख लें आप लोग, इस प्रकार के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ लिखिए, ऊतक किसे कहते हैं, फ्लोएम और जाइलम में अंतर, एक समान गति किसे कहते हैं, न्यूटन का गति संबंधी नियम। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हो। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को समझते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। फ्लोएम और जाइलम में अंतर, इसको आप लोग याद कर लें। और उसके बाद में एक समान गति किसे कहते हैं, न्यूटन का गति संबंधी नियम, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा पढ़ लें और समझ लें। इसके अलावा प्रश्न नंबर 15, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, अंतःप्रद्रवी जलिका के 3 कार्य, पादप कोशिका का स्पष्ट और नामांकित चित्र आपको बनाना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, 19 में ये लिखा है। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेंगे और समझ लेंगे। खाद और उर्वरक के 3 अंतर लिखिए, और ये इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखिए। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर घंटा से घटकर 60 किलोमीटर घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग देख लें प्रश्न नंबर 21 को। और ये 22वां पूछा गया, संपीड़न और विरलन क्या है? तो प्रश्न नंबर 22 को देख लें आप लोग। इसके बाद में यहाँ से आप लोग 22 के अथवा वाले प्रश्न को देख लें। इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गई सही, ऊतक किसे कहते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद में आपको ये वाला क्वेश्चन, फ्लोएम और जाइलम अंतर, ये भी अच्छे से याद हो गया होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको चाहिए एक बार में समझ में नहीं आया हो तो एक से ज़्यादा बार भी आप लोग इसको अच्छे से देख लें पर इसको समझ लें। टोटली इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें और पूरा याद कर लीजिएगा। टोटली इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा समझ लेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पूछा गया, 6 पूछा गया, 7 पूछा, 8 पूछा है, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।